एक कला है जैसे कठपुतली का खेल दिखाता है धागे से, उसी तरह जो है हम लोग भी धागे से ही खेल दिखाते हैं। तो पतंग तो दूर है, तो खेल तो सब हमारे हाथ से हो रहा है और वो हम अपने धागे से करते हैं। हमारा नाम जय किशन सेठ है। जब पुराना लखनऊ में जो पतंगबाजी होती थी वो पहले हम लोगों का पतंग पार्क हुआ करता था, इमामबाड़ा के पास था, लहर नवाब लोग शौक करते थे। अब वहाँ पे जो है ये हुआ बुढ़ा पार्क बना दिया, तो करीब हो गए जो है हमारी उम्र 65 साल है, 15 साल से पतंग हूँ जो है, करीब 30 साल की उम्र में जो है क्लब जो लिया था नेहरू पाइप क्लब, वो अभी भी है मौजूद है। आले हैं, आले भाई हैं और अजय कपूर हैं, प्रेम है। रूल्स ये हैं कि ड्रिंक कर जा शौक नहीं कर सकते। आई क्लब में आज लाल कलर की पतंग भी बना सकते वो बैठ, मतलब उससे जो है कि सामने वाले को कन्फ्यूजन होता है कि आपकी पतंग कहाँ है क्या है, और ज़्यादा तेज धूप होती है तो देखने में भी पतंग दिक्कत होती है। पैसे के साथ क्या शौक नहीं कर सकते, अभी का जो शौक क्लब में नहीं होता, उन्हें भी कई साइज के होते हैं, कई तरीके के होते हैं, एक लंबी काट के पौधे होते हैं, एक गोल फरने के पौधे होते हैं जी होते हैं। तो गोल फरने का पौना जो होता है वो दूल्हा होता है, और जो लंबी काट के फरने होते हैं और क्लब में जो होता है हर तरह का प्लेयर होता है, एक होता है दूल कल लगाने का, इधर दूल्हा होते हैं, ये कुछ प्लेयर होते हैं जो नजदीक के होते हैं। तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से हवा होती है, अब जैसे कम हवा है तो कम हवा में दूर का प्लेयर नहीं हुआ है, नजदीक का जो हाथ पैर से खींच ले जिसके हाथ पैर में ताकत हो वो फिर लगाता है। जब हवा खुली होती है तो फिर वो दूर के प्लेयर लगाते हैं। तो जितना जो है आप कदमों को पीछे बांधेंगे, जितना भी मतलब पत्ते के पास जितना भी करीब बांधेंगे आप, पौना उतना ही भारी हो जाएगा, तो उसको हल्का करने के लिए आदमी बहुत छोटे कन्ने बांध देता है। छोटे कन्ने से ये होता है कि आपकी जो पतंग दूर जाती है तो झोल आपका जो है नीचे के नीचे रहता है छोटे कन्ने पे जी, पतंग तो ऊपर आ जाती है। अब उसमें जो जैसे कोई ऊपर से लड़ा आ रहा है तो वो ऊपर से जब गद्दा मारता है तो उसका झोल नहीं मिलता अगर छोटे कन्ने हैं जी। अच्छा, छोटे कन्ने हैं तो उसमें जल्दी ऊपर वाले को झोल नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा है कि ये जो है ये लंबी काट का पौधा, ये लंबी काट का पौधा जी जी, ये खींचतान का हाथ पैर का पौधा। हाँ, इसमें कन्ना जो है जितना यहाँ ऊपर आप आनेंगे ये हल्का हो जाएगा, ये आप पीछे आएंगे भारी हो जाएगा। और ये पौना जो है दूर के मतलब का नहीं है। अच्छा। इसके ये जो लंबा फर्मा है इसकी खिंचाई तेज होती है, मतलब अगर आप 10 हाथ खींचेंगे तो ये थोड़ा तेज खींचेगा। और जो दूर का पेंच होता है उसकी गोल मुंह की और बारीक डोर बनती है जो फंस के लगती है। जो गोल मुंह की डोर होती है उसमें धार नहीं होती है, काटा नहीं होता, तो बहुत बारीकी से सूती जाती है। और जो छोटे पेज के लिए डोर होती है उसमें धारदार होती है, उसमें काटा होता है, मतलब उसको आप जब छू के देखेंगे तो खुदरा बन होता है। और जो महीन डोर होगी वो बिल्कुल चिकना होगी, वो डोरें फंसते होती है। डोर के पेज में क्या, डोर के पेज में भी यह है कि डोर जब भी बचाती है, जब एक आध मुद्दा अगर आपका गलत है और अगर डोर अच्छी है तो आपको बचा लेगी। कि जैसे मान लीजिए बहुत खींच वाला आदमी है प्लेयर, तो उसको जो है ऐसा मौका ना दीजिए कि वो खींच पाए, आप जितनी जल्दी उसके ऊपर अपनी पतंग लाद देंगे उसको फंसा लेंगे, मतलब उसको आप पतंग चढ़ाने ना दीजिए।
ऊपर जल्दी में आने दीजिए, अगर वो चाल के आ रहा है तो सीधे उसको दांत दीजिए वहीं पे, और कोशिश कीजिए कि आप ढोल उसकी ढोल मिल जाए। जैसे कोई नीचे से आ रहा है वो एकदम चढ़ा रहा है ऊपर, तो आप बल देकर उसके चेहरे पे रखिए, पहले चेहरे पे आप जब रखेंगे तो वो अपनी पतंग दबाएगा, बल देके चेहरे पे रखेंगे तो अच्छा पतंग दबाएगा, उसके बाद आप अंदर आके और तुरंत उसको बल डाल दीजिए, उसको खींचने का मौका नहीं दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि आपके बल जो है ढीले ना हो जाए। कभी मैडम ने आपको डांटा या मना किया? नहीं नहीं भाई, ये तो खाना आता ना पानी देखे नहीं मैम नहीं लगाता, जब हम क्लब लग जाते थे तो खाना आना बना के और पानी की बोतल वगैरह सब लेके जाते थे, मतलब घर से छूट के शौक नहीं किया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।